डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ प्रवीण कुमार अग्रवाल फ्रॉम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रोटरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी चंदोसी वेलकम्स यू इन टुडेज लेक्चर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू सो द क्वेश्चन इज वॉट इज रेवेन्यू जनरली अगर हम प्रोड्यूसर के रेफरेंस में बात करें तो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है एक पर्टिकुलर प्राइस पर अपने गुड्स को मार्केट में सेल करता है तो उन गुड्स को मार्केट में सेल करने के बाद जितना अमाउंट उन गुड्स के एक्सचेंज में प्रोड्यूसर को होता होता है होता है, है या रिसीव उस अमाउंट को हम प्रोड्यूसर का रिवेन्यू कहते हैं या प्रोड्यूसर के रिसीप्ट के नाम से जानते हैं रिवेन्यू के रेफरेंस में हम यहां तीन को स्टडी करेंगे द फर्स्ट वन इज द टोटल रेवेन्यू सेकेंड वन इज द एवरेज रवेन्यू एंड द थर्ड वन इज द मार्जिन एवेन्यू नाउ कम टू द फर्स्ट वन द फर्स्ट इज द टोटल रेवेन्यूट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू टोटल एवेन्यू इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी और इनकम रिसीव्ड बाय द फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अटेन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट यानी कि मार्केट में एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को सेल करने के बाद जितना टोटल अमाउंट फर्म को रिसीव होता है या जितनी इनकम उसको रिसीव होती है दैट पर्टिकुलर टोटल अमाउंट ऑफ मनी और इनकम इज नोन एज टोटल रेवेन्यू इसे ऑप्टन करने का एक फॉर्मूला है अगर हम कॉमोलिटी के प्राइस को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट इज नोन एज टोटल रेवेन्यू इट मीन्स टोटल रेवेन्यू इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइज एंड नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड पी आर इक्वल टू पी इंटू क्यू दिस इज द फॉर्मूला That is written here, where P is the price of the commodity and Q is the number of units sold. ek एक maine मैंने par पर रिप्रेजेंट किया हुआ है suppose करिए कि मिस्टर दीक्षित 250 units ko को सेल करते हैं और उनके गुड का प्राइस है रुपीज फिफ्टी पर यूनिट तो जब वो टू फिफ्टी यूनिट्स को सेल करेंगे तो उनका टोटल एवेन्यू कितना होगा दैट इज वी विल गेट इट बाय द फॉमूला टोटल एवेन्यू इज इकल टू पी इन टू क्यू हेयर पी इज इल टू फिफ्टी एंड क्यू इजल टू टू फिफ्टी बोथ यू आर गेटिंग अ वैल्यू इक्वल टू रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज द टोटल रिवेन्यू फॉर मिस्टर दीक्षित अगर हम यहां पर देखें तो टी आर एक तरीके से क्यू के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वी कैन से दैट टोटल रवेन्यू इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट एंड मैथमेटिकली टी आर इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू ओके नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू इज एवरेज रिवेन्यू एवरेज वेन्यू क्या होता है एवरेज वेन्यू इज द रेवेन्यू दैट अ फॉर्म गेट्स पर यूनिट ऑफ द गुड सोल्ड यानी कि एक यूनिट गुड को सोल्ड करने के बाद जितना रेवेन्यू फर्म को मिलता है उसे हम फर्म का एवरेज रेवेन्यू के नाम से जानते हैं इसको कंप्यूट करने का एक फॉर्मला होता है हमें क्या करना पड़ेगा टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ गुड सोल्ड से फॉर्मुला यहां पर मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में ए आर इजिकल टू टी आर अपॉन क्यू टोटल so इक्वल होता, होता है इसी वजह से हम पर यूनिट ऑफ गुड सोल्ड को एवरेज रवेन्यू के नाम से जानते हैं दैट इज क्लियर जैसे एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं यहां पर पीछे हमने टोटल इवेन्यू ऑप्टेन किया था दैट वाज इक्वल टू रुपीज ट्वेल्थ थाउजेंड फाइव हंड्रेड और उसके रेफरेंस में आउटपुट था हमारा दैट वाज द टू फिफ्टी यूनिट्स अगर हम इसके इस केस में एवरेज वेन्यू को ऑप्टेन करना चाहें तो फॉर्मूला हमारा यूज होगा ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू टोटल इवेन्यू ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड क्यू इज टू फिफ्टी यूनि इन दिस वे डिवाइड दिस यू विल गेट द वैल्यू इक्वल टू रुपीज फिफ्टी एंड दिस इज इक्वल टू द प्राइज पर यूनिट इट मीन्स एवरेज वेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइज पर यूनिट ऑफ द गुड क्लियर नाउ कम टू दर्ड कॉन्सेप्ट दर्ड कॉन्सेप्ट इज द मार्जिनल रिवेन्यू अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है मार्जिनल का मतलब हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं दैट इज दिन यानी कि जब हम एक एडिशनल यूनिट को सेल करते हैं किसी गुड की तो उसकी वजह से टोटल रिवेन्यू में जितना डिफ्रेंस होता है या जिस वैल्यू से टोटल रिवेन्यू में एडिशन होता है उसको हम मार्जिनल रिवेन्यू के नाम से जानते हैं इट मीन्स द एडिशन टू द टोटल रिवेन्यू बाय सेलिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ द गुड इज नोन एज द मार्जिनल रिवेन्यू या आप ये कह सकते हो द रिवेन्यू विच वुड बी अर्न बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ द गुड यानी कि आप एक एडिशनल यूनिट को सेल करते हो और एडिशनल यूनिट को सेल करने के बाद आपके पास जितना रेवेन्यू एडिशनल ऑप्टेन हुआ मैं एडिशनल रेवेन्यू की बात कर रहा हूं दैट एडिशनल रिवेन्यू इज नोन एज द मार्जिनल रिवेन्यू मैथमेटिकली अगर हम इसको ऑप्टेन करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा हमें एन यूनिट्स एन नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल करने के बाद जो टोटल रवेन्यू ऑप्टेन हुआ उसमें से हमें एन माइनस वन यूनिट्स को सेल करने के बाद जो टोटल रेवेन्यू ऑप्टेन हुआ उसको माइनस करना होगा तो हमें क्या मिल जाएगा हमें उस पर्टिकुलर एन यूनिट के मार्जिनल रिवेन्यू की वैल्यू मिल जाएगी यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू इज ऑपटेन बाय सब्ट्रैक्टिंग टोटल इवेन्यू बाय सेलिंग एन यूनिट्स एंड टोटल इवेन्यू बाय सेलिंग एन माइनस वन यूनिट्स ऑफ द गुड इसका फॉर्मुला दे रखा है यहां पर एम आर ऑफ एन एथ यूनिट इज इक्वल टू टी आर ऑफ एन एथ यूनिट माइनस टी आर ऑफ एन माइनस वन एथ यूनिट क्लियर एग्जाम्पल लेके चलते हैं मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ने यूनिट्स को सेल किया और उसको सेल करने के बाद फॉर्म का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया रुपीज फाइव ट्वेंटी इससे पहले जब ट्वेंटी फोर यूनिट सेल करी थी ऑर्गेनाइजेशन ने तो उसका मार्जिन तो उसका टोटल रेवेन्यू था इक्वल टू तो रुपीज फाइव टेन यानी कि जब ट्वेंटी फिफ्थ यूनिट को इंप्लीमेंट किया गया या सेल किया गया तो उसका मार्जिनल रेवेन्यू कितना निकल के आएगा? कितना कितना है? 520. और TR 24 कितना है? और यूनिट्स का माइनस कर दिया। तो दिस मार्जिनल ऑफ यूनिट. मार्जिनल रिवेन्यू को हम एक दूसरे वे में भी डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से मार्जिनल मार्जिनल रिवेन्यू इज आल्सो डिफाइंड एज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू एसोसिएटेड विद अ चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड यानी कि जब हम क्वांटिटी सोल्ड में चेंज करते हैं तो उसकी वजह से टोटल रेवेन्यू में जो चेंज होता है उसके रेशियो को हम मार्जिनल रेवेन्यू के नाम से जानते हैं द दॉर्मला विल बी एम आर इजल टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू वेयर डेल्टा टी आर इज टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू एंड डेल्टा क्यू इज टू चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड क्लियर सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल revenue नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेशनशिप among tr आर एम आम आर एंड ए आर अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन हम यहां दो कंपटीशन की बात करेंगे पहला है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा है इम कंपटीशन। दोनों ही केस में टी आर एम आर और ए आर के रिलेशन अलग अलग तरीके से डिफाइन किए जाएंगे तो पहले हम बात करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन की कि इस पर्टिकुलर टाइप के कॉम्पिटिशन में इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन जैसा कि हम जानते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स अवेलेबल होते हैं और जितने भी सेलर्स हैं वो तो क्या कर रहे होते हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं यानी कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है ये जिसमें किसी भी तरीके से कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है अब क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है इसका मतलब जो प्राइस है प्रोडक्ट के वो सेलर्स डिटरमाइन नहीं करते हैं बल्कि मार्केट मैकेनिज्म डिसाइड करती है यानी कि मार्केट के डिमांड फोर्सेस और मार्केट के सप्लाई फोर्सेस के बेसिस पर प्रोडक्ट के प्राइस को परफेक्ट कंपटीशन में डिटरमाइन किया जाता है और जितने भी सेलर्स हैं वो सभी क्या करते हैं इसी पर्टिकुलर प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं कोई भी इस प्राइस से ज़्यादा या इस प्राइस से कम पर अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता और इस प्राइस पर चाहे वो ज़्यादा क्वान्टिटी सेल करें या फिर कम क्वान्टिटी सेल करें इट इज़ डिपेंडिंग लेकिन प्राइस में चेंज नहीं कर सकते हैं इसका मतलब प्राइस क्या रहेगा फिक्स रहेगा प्राइस कॉन्स्टेंट रहेगा जब प्राइस कांस्टेंट होगा तो एवरेज रिवेन्यू क्या हो जाएगा कांस्टेंट होगा इसका मतलब क्या होगा जैसे जैसे हम आउटपुट को इंक्रीज करेंगे टोटल रेवेन्यू तो इंक्रीज होगा लेकिन वो कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज होगा क्लियर जबकि ए और ऑर एम के रहेंगे एवरेज रिवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू दोनों को इंसाइड करेंगे और दोनों कांस्टेंट रहेंगे दोनों में कोई भी चेंज नहीं होगा इसको हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और एक टेबल की हेल्प से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो दिस इज द टेबल इन रेफरेंस ऑफ द रिलेशन अमंग ए आर टी आर एंड एम आर अमंग परफेक्ट कॉम्पिटिशन यहाँ मैंने आउटपुट को रिप्रेन किया है आउटपुट इंक्रीज हो रहा है एक से लेकर दस तक लगातार प्राइस क्या है कॉन्स्टेंट क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है इस वजह से प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा एंड दिस इज इक्वल टू रुपीज ट्वेंटी पर यूनिट टी आर को कैलकुलेट करेंगे पहले केस में वन इंटू ट्वेंटी अपटू डेन इंटू ट्वेंटी टू हंड्रेड ए आर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ट्वेंटी ट्वेंटी अपटूड लास्ट तक एम आर फॉर फर्स्ट यूनिट एम आर इज टू ट्वेंटी सेकेंड यूनिट के लिए हम कैसे निकालेंगे फोर्टी माइनस ट्वेंटी दैट इज ट्वेंटी नेक्स्ट यूनिट के लिए सिक्सटी माइनस फोर्टी दैट इज ट्वेंटी एट्टी माइनस सिक्सटी ट्वेंटी हंड्रेड माइनस एट्टी ट्वेंटी वन ट्वेंटी माइनस हंड्रेड ट्वेंटी और ये लास्ट तक क्या रहेगी ट्वेंटी रहेगी दैट इज क्लियर ये लास्ट तक ट्वेंटी रहेगी इसका मतलब हम आउटपुट को इंक्रीज करेंगे तो टोटल totally रिवेन्यू में तो चेंज होगा वो लगातार इंक्रीज होगा और कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज होगा लेकिन जो एवरेज रवेन्यू है और मार्जिनल रिवेन्यू है वो दोनों चेंज नहीं होंगे वो क्या रहेंगे कॉन्स्टेंट और दोनों क्या करेंगे कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे पर क्लियर तो इस तरीके से हम इसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन एमंग टी आर ए आर एंड एम आर या मैंने एक्स एक्सिस पर आउटपुट को रिप्रेजेंट किया है और बाई एक्सिस पर मैंने ए आर एम आर एंड टी आर को रिप्रेजेंट किया है नाउ मैंने स्केल लिया है एक सेंटीमीटर का और आठ तक एक, एट यूनिट्स तक इसको रिप्रेजेंट किया है और यहाँ स्केल मैंने ट्वेंटी का लिया है इसको वन तक रिप्रेजेंट किया है अब हम टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को यहाँ रिप्रेजेंट करते चले गए क्योंकि ट्वेंटी पर स्केल क्या है कॉन्स्टेंट है तो ये तो एक्स एक्सिस के पैरल हो जाएगा और ये जो कर्व निकल कर आएगा क्योंकि इसमें आप नंबर ऑफ यूनिट्स को चाहे बढ़ाएं या कम करें लेकिन आप प्राइस में चेंज नहीं कर सकते तो ये कैसे होकर रहेगा दिस इज द ए आर कर्व एंड एम आर कर्व एंड बोथ आर इक्वल टू ईच अदर बात आती है टी आर कर्व की वन पर टी आर इक्वल टू ट्वेंटी टू पर टी आर है फोर्टी थ्री पर टी है सिक्सटी फोर पर टी है एट्टी और इस तरह से इसको बढ़ाते चले गए लास्ट में एट पर टी है दैट इज वन सिक्सटी तो इन दिस वे जब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे एक दूसरे से तो वी गेट अ पर्टिकुलर कर्व दिस स्ट्रेट लाइन कर्व इज नोन एज द टोटल रेवेन्यू कर्व एंड वॉट यू आर लुकिंग हेयर कि यह एक कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होगा कि इनका जो डिफरेंस है एडिशनल यूनिट्स का जो डिफरेंस है वो क्या है कांस्टेंट है यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू कांस्टेंट है इसी वजह से जब मार्जिनल रिवेन्यू कांस्टेंट होता है तो टोटल रिवेन्यू हमेशा कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा होता है या फिर घट रहा होता है क्योंकि यहां इंक्रीज हो रहा है तो यह कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है तो दिस इज द रिलेशन एमंग टी आर ए आर एंड एम आर अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन ओके थैंक यू